नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी न्यूज। जादूगर शुक्ला सरकार फिर से जहानाबाद में दिखाएंगे हैरत अंगेज जादुई कारनामे। भारत के महान जादूगर शुक्ला सरकार अपने लाव लश्कर के साथ फिर से आ गए हैं जहानाबाद में। जी हां, जहानाबाद के अब्दुल बारी नगर भवन टाउन हॉल में 22 दिसंबर से दिखाएंगे अपना जादुई कारनामे। जादू शो का उद्घाटन जहानाबाद जिला पदाधिकारी रिचि पांडे, जहानाबाद नगर परिषद के मुख्य पार्षद रूपा देवी एवं सदर विधायक सुदय यादव संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। आज प्रेस वार्ता कर जादूगर शुक्ला सरकार ने कहा कि नाम वही अंदाज नया, इस बार कई हैरत अंगेज कारनामा दिखाया जाएगा। डायनासोर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसे कई हैरत अंगेज कारनामे दिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जादू के साथ साथ सर्कस का भी पाठ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रभारी सह इवेंट मैनेजर अतुल जोशी के साथ प्रबंधक प्रेम धनराज मौजूद रहे। बहुत सारे खेल हैं, ऐसे तो जितने भी खेल हैं हर खेल खास है, लेकिन बहुत सारे खेल हम लोगों ने चेंज करके लाया है और कुछ पुराने खेल भी हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी थीम चेंज करके ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे। हर साल जहानाबाद में जादू लगते हैं, जहानाबाद के लोग काफ़ी प्यार दुलार देते हैं, प्यार दुलार हम लोगों को बार बार खींच करके यहाँ पे ले आते हैं और काफ़ी हम लोगों को यहाँ से दर्शकों का प्यार मिलता है। हम लोगों ने सोचा कि नए साल पे क्यों ना भाई नए नए खेल के साथ जहानाबाद से ही शुभारम्भ किया जाए। और तकरीबन 2 घंटे के इस शो में बहुत सारे खेल नए हैं, जैसे टी कटिंग, हेड कटिंग, बनारस के मंदिर की कहानी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, डायनासोर, बिल्कुल आपको लाइव देखने को मिलेगा हमारे मंच पर। और साथ साथ हम लोगों ने 25 से 30 मिनट सर्कस का भी इसमें प्रोग्राम रखा है, जिसमें बहुत सारे खेल दिखलाए जाएंगे आपको, जैसे वो जिंदा मछली को खा करके फिर से जिंदा वापस वो निकालेंगे। तकरीबन 7 से 8 केजी पानी पी करके 2-3 कलर में उसको वो निकालें, ऐसे करके 25 से 30 मिनट वो सर्कस भी आपको दिखाया जाएगा इसी जादू के मंच पे। जादू के साथ साथ सर्कस का भी लोग आनंद लेंगे। जी, जादू के साथ साथ लोग सर्कस का भी आनंद लेंगे। कब से लेकर कब तक ये आयोजन किया? 22 दिसंबर से रोजाना 300 में दिखलाया जाएगा। पहला सौ दिन में 12 बजे से, दूसरा सौ 3 बजे से और तीसरा सौ संध्या 6 बजे से। क्या कहेंगे जिलेवासियों को? जिलावासियों को तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल पूरे परिवार के साथ आकर के हमारे शो का आनंद लें और हम सभी कलाकारों को उत्साह बढ़ाएं।